थैंक यू सो मच सर, वेरी इंफॉर्मेटिव इंडीड. अब हम नेक्स्ट फार्मर्स हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, डिफरेंट रीजन से, पोटवार रीजन से मौजूद हैं हमारे साथ, पंजाब में मौजूद हैं, और उनके हम व्यूज जानेंगे जिंजर कल्टीवेशन के हवाले से. सबसे पहले हम इनवाइट करते हैं जो कि जिंजर पायनियर फार्मर है, जिन्होंने आज से 3-4 साल पहले सबसे पहले लगाया था जिंजर पोटवार रीजन के अंदर. एग्रियोनिक्स फार्म्स बरकत सर चकवाल से वो बिलोंग करते हैं, मिस्टर उबैदुररहमान, ताकि वो अपने अपने ख्याल का इजहार कर सकें. जिंजर की प्रोडक्शन के बारे में तो सब कुछ यहाँ बता चुके हैं, मैं सिर्फ आप लोगों को अपना फार्म में एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा जो मैंने 2019 में शुरू किया था. 2019 में मैंने 5 केजी जिंजर मार्केट से खरीद के, मंडी से खरीद के मैंने वो कल्टीवेट किया था. तो एक साल की मेहनत के बाद जब वो मैंने फरवरी में, मुझे याद आया कि फरवरी में मैंने हार्वेस्ट किया, 5 किलो जिंजर से मुझे कोई तकरीबन 30 किलो जिंजर मिला था. तो उसमें मुझे खुशी हुई कि चले अच्छा, पहली दफ़ा क्रॉप लगाई थी, एक इसका आइडिया भी हो गया कैसे लगानी है, और मुझे उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का बिल्कुल पता नहीं था. तो खैर उसके बाद नेक्स्ट सीज़न आया तो मार्च में मैंने, फरवरी के एंड पे मार्च के शुरू में ही मैंने अगली ज़मीन तैयार की, और फिर मैंने 800 एकड़ सीड कुछ मार्केट से ख़रीदा और कुछ NARC से मुझे चेयरमैन मोहम्मद अली साहब ने दे दिया, तो मैंने उसको लगा दिया. तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर रहा, पहले से ज़्यादा अच्छे उसके रिजल्ट रहे. पूरा साल उस क्रॉप को भी चलाया तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिजल्ट बेहतर है. फिर इसी दौरान आदि से कुछ लोग आते रहे, डॉक्टर नजीबुल्ला साहब आते रहे उधर, और डॉक्टर अमर लतीफ़ साहब आते रहे, सर आते रहे, आप आते रहे, और इन लोगों ने हमें गाइड किया कि किस तरह इसकी प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाया जा सकता है. तो जिस जिस तरह ये हमें गाइड करते रहे उसी उसी तरह हम उनकी फर्टिलाइज़र जो चीज़ें थी वो यूज़ करते रहे, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर रिजल्ट हो गए. तो उसके बाद फिर मेरे कुछ और दोस्त भी थे साथ, कासिम साहब, अहमद शहजाद साहब, और ये सब हम लोग देख के कि इस रीजन में ये हो सकता है, पोटवार में अच्छी इसकी प्रोडक्शन हो सकती है, वेदर अच्छा है, इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, तो हमने भी शुरू कर दिया. तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बेहतरीन तरीके से हम कर रहे हैं. तो आइंदा भी इंशाल्लाह ताला हमारा और इसको बढ़ाने का इरादा है. इस साल भी कुछ और फार्मर भी ऐड हुए हैं, मेरे अपना एरिया जो बलकतर का है उसमें भी मैंने 2-3 फार्मर और ऐड किए हैं, कासिम साहब ने भी, अहमद साहब ने भी अपनी तरफ ऐड किए हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह पोटवार रीजन में तो बहुत अच्छी इसकी प्रोडक्शन हो सकती है, और मेरी जो फार्मर हैं पोटवार रीजन के, मेरी तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बेशक थोड़ा थोड़ा करके 5-5, 10-10 KG लगा लें या 1-1, 2-2 कनाल लगा लें, तो इसी से उनकी अपना सीड भी बन जाएगा और उसके आगे उन्हें पता भी चल जाएगा थोड़ी क्रॉप लगाने के बाद कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, साल की फसल है, बड़े आराम से इसको कर सकते हैं. थोड़ी मुश्किलें ज़रूर है क्योंकि ये पूरा साल इसको चलाना होता है, इसमें नेट, ग्रीन नेट या ब्लैक नेट जिसका बता चुके हैं पहले, वो देना होती है. तो हमने तो वो भी उसके साथ साथ हमने ये किया था कि इसको साइडों पर करेला लगा दिया था, साइडों पे करेला लगा दिया, कुछ करेले का शेड आ गया, कुछ ऊपर ग्रीन नेट आ गई, तो उससे हमारी बड़ी अच्छी प्रोडक्शन आ गई थी. ये तो मेरी आप भी सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल करें, ये नई क्रॉप है पाकिस्तान में, अगर ये ऐड हो जाती है पाकिस्तान में तो ये बड़ा अच्छा होगा हम फार्मर्स के लिए. जी बहुत शुक्रिया. वेरी गुड, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट हमारे साथ पोटवार रीजन से फार्मर मौजूद हैं जिनकी